माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर्स को सीक्वेंस में लेके आने के तीन मेजर तरीके। सबसे पहला, अगर सपोज करो मैंने 1 लिखा है और मुझे 1 to 100 चाहिए, तो आप एक्सेल को एक सिंपल एग्जांपल दो कि आप करना क्या चाहते हो। आपने 1 लिखा, 1 के नीचे 2 लिखो, दोनों को सिलेक्ट करो और ऐसे ड्रैग कर लो। तो देखो एक एग्जांपल आपने दिया और वही एग्जांपल को वो कंटिन्यू कर लेगा जब तक आपको चाहिए, है ना, बहुत सिंपल तरीका। या तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर कर्सर रखा, आप गए होम, होम में फिल्म, फिल्म में सीरीज, और सीरीज में जाके यहाँ पर आपने ले लिया कॉलम्स क्योंकि मुझे एक के नीचे एक नंबर चाहिए, और स्टॉप वैल्यू में दे दिया 100। से ओके, तो देखो आ गया सिंपल। ये दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है। एक और तरीका इंपॉर्टेंट है जिससे आप सीक्वेंस नंबर लेके आ सकते हो। आप यहाँ पर कर्सर रखो, 1 लिखो, नीचे इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू प्लस 1, मतलब जो भी ऊपर लिखा है प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल, अभी इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर लो, तो देखो आपका नंबर सीरीज काउंट हो जाएगा।